हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अमेजोन प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है शकुंतला देवी। ये मूवी बेस्ड है वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन जिनका नाम था शकुंतला देवी, जिन्हें द ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है। खैर, इस मूवी में हमें नजर आती है विद्या बालन, शानिया मल्होत्रा, जेसु शैन गुप्ता और अमित शाह। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनु मेनन ने और मूवी की ओवरऑल लेंथ करीब 2 घंटे की है। खैर, कहानी शुरू होती है 1934 से, जहां पर हमें नजर आती है एक छोटी बच्ची जिसका नाम है शकुंतला। खैर, कोइंसिडेंटली इसके पेरेंट्स को पता चलता है कि ये बच्ची मैथ्स में काफी जीनियस है और ये कोई भी सम्स दो ये मिनटों में उसे सॉल्व कर देती है, और यही इस बच्ची का टैलेंट या आप कह सकते हैं गॉड गिफ्ट। इसके फादर को अपॉर्चुनिटी लगता है, और फिर उसके बाद क्या था, इस बच्ची का जो बचपन है वो उससे छीन जाता है और स्कूल जाने की उम्र में ये जगह जगह पे मैथ्स के शोज करती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब शकुंतला की बड़ी बहन की हो जाती है डेथ, और कहीं ना कहीं वो इस मौत का जिम्मेदार अपने ही पेरेंट्स को मानती है और वो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से दूर होते जाती है। फिर उसके बाद शकुंतला देवी की लाइफ में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस की मूवीज देखना है जहां पर आपको एक्टिंग देखने को मिले, तो आप डेफिनेटली विद्या बालन की कोई भी मूवी को देख लो, आप कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। इसके अलावा इस मूवी में अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात हो तो यहाँ पर शकुंतला देवी के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया, यानी कि उनके बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक के उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को बहुत ही अच्छी तरह से बताया। और साथ साथ मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पर शकुंतला देवी के बचपन में जो जो चीजें हुई थी वो चीज उसके दिमाग में ऐसा घर कर गई थी कि उस वजह से उसकी पर्सनल लाइफ आगे चल के कितनी ज्यादा इफेक्ट हुई, यानी कि उसके हस्बैंड के साथ उसके रिलेशन हो या उसकी डॉटर के साथ उसके रिलेशन हो, ये सब कुछ उसके बचपन में जो जो चीजें हुई थी उस वजह से उसकी लाइफ कितनी स्पॉइल हुई, ये हमें इस पूरी मूवी में देखने को मिलता है। और साथ साथ इस कैरेक्टर को लेकर इस पूरी मूवी में आपके जो इमोशंस है वो चेंज होते रहेंगे, यानी कभी आपको इन पर प्यार आएगा, कभी आपको इन पर हेट भी करोगे, कभी आपको इनके लिए इमोशन भी फील होगा। यानी कि इतना कह सकते हो कि शकुंतला देवी जी की जो जिंदगी थी वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। उसके अलावा इस मूवी में जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि शानिया मल्होत्रा जिसने यहाँ पर शकुंतला देवी की बेटी का रोल प्ले किया, उसने भी अपने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में भी हमें अलग अलग शेड्स देखने को मिले जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है। उसके अलावा इस मूवी में अगर अमित शाह की बात को तो अमित शाह का यहाँ पर इतना ज्यादा आपको काम देखने को नहीं मिलता, लेकिन जितना भी उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। और वैसे ही जेसु शैन गुप्ता की भी कैरेक्टर के बारे में इतना ही बोलूंगा, उनके लिए भी इतनी ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग यहाँ पर नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम करके दिखाया। इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो इतना ज्यादा बेहतरीन है जहां पर आप पूरी तरह से इस मूवी में इंगेज रहते हो, यानी कि एक सेकंड के लिए भी आपके पास पलक झपकने का भी टाइम नहीं होता। उसके अलावा मैं सेकंड हाफ की बात करूं तो वहां पर आपको काफी कुछ इमोशनल चीजें, काफी कुछ कॉमेडी चीजें देखने को मिलती है। और सच बोलूं तो फर्स्ट हाफ हो या सेकंड हाफ हो, पूरी मूवी बहुत ही लाजवाब है। उसके अलावा बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो चाहे 1934 का दौर हो या 2001 का, हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर पिक्चराइज किया। और अगर बात करें इस मूवी के सॉन्ग्स की तो सॉन्ग्स भी अच्छे, कुछ इतने ज्यादा कैची सॉन्ग्स तो नहीं है लेकिन जितने भी अच्छे लगते हैं। और बात करें विद्या बालन की लुक की, यहाँ पर आपको अलग अलग लुक्स में इस मूवी में नजर आती है और काफी इम्प्रेसिव भी लगती है। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पर सिर्फ एक ही का नाम लूंगा, वो है विद्या बालन, जिन्होंने इस कैरेक्टर को इतना बेहतरीन तरीके से निभाया कि डेफिनेटली अगर अवार्ड्स इस साल होते हैं, जो कि मुश्किल है, अगर होते हैं तो विद्या बालन को इस मूवी के लिए 100% मिल सकता, क्योंकि वाकई में उन्होंने फिर से एक बार साबित कर दिया कि अगर एक्ट्रेस की बात करें बॉलीवुड में तो वो टॉप पर आती है। ओवरऑल मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, इसमें कुछ भी एडल्ट चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना ही कुछ गाली गलौज सुनने को मिलेगी, बस एक ही चीज मिलेगा वो है एंटरटेनमेंट, जैसे कि विद्या बालन हमेशा बोलती है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो बस ये तीनों चीज आपको भर भर के इस मूवी में मिलेगी। जो पेरेंट्स लोग हैं और जो डॉटर है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज भी इस पूरी मूवी में। तो बस यार इस वीडियो में इतना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना, और हाँ ज्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मुझे अवरोध सीरीज देखना शुरू करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।